ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय। श्री राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। सज्जनों, भक्तों, मैं नंदकिशोर रमाकांत पांडे आज फिर पुनः आपका एक मित्र बन करके आया हूँ। संसार में जितने भी व्रत प्रसिद्ध हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ नवरात्रि व्रत को माना गया है। नवरात्रि व्रत सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, साधक, सिद्ध, तांत्रिक, जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रकार के उपासक हैं संसार में, यहाँ तक कि स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध, ब्राह्मण या ब्राह्मण जाति के अन्य जातियाँ, सबके लिए नवरात्रि व्रत की आराधना मानी गई है। नवरात्रि व्रत सबके लिए प्रशस्त है और ये साधना का महापर्व है। संसार में चार नवरात्रि होती हैं। पहली चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक, दूसरी आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं, तीसरी आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के विजयदशमी पर्यंत, ये शरद ऋतु में आती है इसलिए इसको शारदीय नवरात्र कहते हैं, और चौथा माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत, इसको सारस्वत नवरात्र कहते हैं। इन चार नवरात्रों में संभव न भी हो तो दो नवरात्रों में विशेष आराधना करनी चाहिए, एक शारदीय नवरात्र आश्विन महीने की और दूसरा वासंतीय नवरात्र चैत्र महीने की। माँ की उपासना चार अंगों में की जाती है, दो निर्गुण उपासना है और यंत्र में माँ की पूजा उपासना, सगुण उपासना में माँ की मूर्ति की पूजा और कुमारिका पूजन, ये दो सगुण उपासना है। विशेष रूप से माँ की निर्गुण उपासना को पहले समझते हैं कि ज्योति कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले एक टोकरी लीजिए, बाँस की टोकरी, उसमें तालाब या नदी के किनारे या फिर बाग बगीचे की पवित्र जगह की मिट्टी संकलन करिए। उस मिट्टी में जौ अथवा गेहूं के ज्वारे बीजें, उसके ऊपर एक मिट्टी का घट स्थापित करें, उसमें सबसे पहले गंगा जल डालें। प्रायः कई लोग ये गलती करते हैं कि पहले जल भर देते हैं, ऊपर से फिर तीर्थ का जल मिलाते हैं। ध्यान रहे, ऐसा जल मदिरा के समान हो जाता है, तो इसलिए पहले तीर्थ का जल डालना चाहिए, ऊपर से फिर सादा पानी, सादा जल उसमें कलश में घट में भरना चाहिए। उसमें दूर्वा, सुपारी, हल्दी गांठ, रोली और सर्वौषधि के रूप में शतावरी, एक शतावरी मिलाने से सभी प्रकार की औषधियों का उसमें मिश्रण हो जाता है, और एक सिक्का, एक रुपये का सिक्का। नारियल के कंठ को, घट के कलश के कंठ को मोली से बांध दीजिए और उस पर सिंदूर से स्वस्तिक आदि चिन्ह, स्वस्तिक या कोई बीजाक्षर या ओम कुछ भी आप बना सकते हैं। उसके ऊपर से आम्र पल्लव रखें, संभव हो तो बरगद और पीपल का भी पल्लव साथ में रखें, न संभव हो तो केवल आम का पल्लव रखें। उसके ऊपर धान्य से भरा हुआ, चाहे वो धान हो, चाहे जौ हो अथवा चावल, तीनों में से कुछ भी, उससे भरा हुआ एक मिट्टी का पात्र भी, ढक्कन भी उस पर रखिए। ध्यान रहे, कलश के ऊपर सीधे जोत नहीं रखनी है, जब तक पूर्ण पात्र न रखा जाए तब तक जोत नहीं रखी जाती है। पूर्ण पात्र रख करके आप उसके ऊपर में जोत स्थापित करें, जोत की बाती इतनी रखें कि बार बार आपको न बदलना पड़े, कम से कम एक सवा फुट लंबी बाती हो तो बड़े आराम से वो 9 दिन तक चलती है। संभवतः जोत हो सके तो गाय के घी की ले, और उससे भी बढ़िया आपके लिए तिल का तेल या अलसी का तेल, जिसको जवस का तेल कहते हैं हम लोग, तिल या जवस का तेल, और न हो तो सरसों के तेल का, ये तीन तेल के अलावा चौथे किसी तेल का उपयोग कृपया न करें। ध्यान रखें, तिल का तेल, अलसी जवस का तेल अथवा सरसों का तेल, केवल यही तीन प्रकार के तेल का आप जोत में उपयोग कर सकते हैं। आइए पहले इसको समझते हैं कि ये घट माँ का स्वरूप कैसे। जैसे हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, ये पंच महाभूतों का समावेश होता है इस कलश में। अब देखते हैं कुमारिका पूजन, सगुण रूप में मूर्ति की तो उपासना आप अभिषेक तो करते ही हैं, पंचामृत आदि से माँ का श्रृंगार करते ही हैं, भोजन आदि, भक्षण आदि इस प्रकार का व्यवहार न करते, जितना आप पवित्रता के साथ में नवरात्रि की उपासना करेंगे उतना ही अधिक आप देवी की कृपा का भाजन मिलेंगे। जय माता दी।